अब इसी बीच देखिए बड़ी खबर जिस तरीके से दीपा आप कह रही हैं, बड़ी खबर इंडिया गठबंधन को लेकर है और जिस तरह से बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इंडिया गठबंधन को लेकर। यहां पर देखिए संयोजक पद को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है, लेकिन मुलाकातें भी लगातार हो रही हैं और राहुल और केजरीवाल के बीच बताया जा रहा है कि जो मुलाकात हुई है वो कई मायनों में खास हो जाती है। पिछले दिनों केजरीवाल ने राहुल गांधी से सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से बात हुई थी, सीट बंटवारा हालांकि अभी तय हो रहा है, अलग अलग राज्यों के जो बड़े नेता हैं उनके साथ मिलकर बात की जा रही है, शुरुआत कांग्रेस ने ही की, बिहार से शुरुआत, लेकिन अब अलग अलग जगहों पर शुरुआत। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अनुरोध के बाद भी समय ना मिलने से केजरीवाल नाराज थे, तो नाराजगी अब केजरीवाल की भी सामने आ रही है। और ऐसे में सवाल ये हो जाता है कि क्या मुलाकात जो हुई है, मुलाकात पर क्या बात हुई है, क्योंकि मुलाकात पर केसी वेणुगोपाल क्या कुछ कह रहे हैं। तो देखिए अब केजरीवाल की नाराजगी भी, लेकिन इसी बीच अब इस पर भी रिएक्शन सामने आए हैं। केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। Courtesy meeting with Arvind Kejriwal ji and Congress President Rahul ji. That's all. Courtesy meeting. Only a courtesy meeting. So, पहले मीटिंग थी, वो बार बार अपॉइंटमेंट चाह रहे थे। No, that खत्म हो गया। No. सीट शेयरिंग डिस्कस नहीं हुआ सर? सीट शेयरिंग पर बात हुई? नहीं नहीं नहीं, सीट शेयरिंग पे इतना ही हो गया। आ रहे हैं कि ये एक औपचारिक मीटिंग थी, लेकिन अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ आगे होना है। और देखिए एक तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा भी शुरू हो रही है, राहुल गांधी मणिपुर टू मुंबई। सीधे आपको एक बार फिर से जनिंद्र के पास लिए चलते हैं। जनिंद्र, यहां कांग्रेस की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है, न्याय यात्रा पर भी सवाल उठा रही है बीजेपी और गठबंधन के नेताओं में भी अभी भी कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखी जा रही है और सीट शेयरिंग एक बड़ा मसला तो है ही। देखिए बीजेपी अपना काम कर रही है, जाहिर सी बात है उसका काम कांग्रेस पर निशाना साधना और कांग्रेस के कार्यक्रमों पर तंज कसना है। जहां तक आपने गठबंधन में जो दरार की बातें कही, देखिए इंडिया गठबंधन में अलग अलग विचारधारा की तमाम पार्टियां एक साथ आई हैं बीजेपी से लड़ने के लिए। सीट बंटवारे को लेकर के पेंच तो फंसा हुआ है, इसके अलावा भी कम्युनिकेशन गैप कई सारे नेताओं में है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस तमाम विरोधाभास के बावजूद और तमाम एक दूसरे के प्रति नाराजगी के बावजूद एक दूसरे बैठकर चाय पी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और वहां पर उन्होंने लंबी वार्ता की, राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर के देखिए विपक्षी जो दल हैं बीजेपी के देशभर में, उन सबको मालूम है कि अकेले अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं हो सकता, सबको साथ मिलकर जो है वो चुनाव लड़ना होगा और इसीलिए ये इंडिया गठबंधन बनाया गया है। तमाम जो आपस में विरोधाभास है, जैसे बंगाल में देख लीजिए अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी एक दूसरे को हम कहें कि फूटे आंख नहीं सुहाते एक दूसरे को, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियां गठबंधन में हैं। तो तमाम विरोधाभास है। कल भी अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा असम हिल काउंसिल रिजल्ट के आधार पर, लेकिन बावजूद इसके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोशिश है और एक सीट बंटवारे का ऐसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश चल रही है जो सभी को एक्सेप्टेबल हो। और चूंकि सैद्धांतिक तौर पर सब लोग सहमत हैं कि बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, यही सहमति जो है वो अहम है, लेकिन बीच बीच में कुछ दरार और कुछ जो विरोध एक दो नाराजगी है वो भी उभरती रहती है। लेकिन जो टॉप लीडरशिप है तमाम पार्टियों की, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे मतभेद हैं वो बड़े मतभेद की वजह ना बने और सभी पार्टियां एकजुट रहें। इसीलिए रोज के डेवलपमेंट पे हमारी नजर रहती है, हम देखते हैं कि कभी बैठक होती है, फिर एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दिए जाते हैं, लेकिन ये आप तय मानकर चलिए कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का साझा उम्मीदवार जरूर होगा। कुछ एक सीटों पर हमें फ्रेंडली फाइट विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के बीच देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष का साझा उम्मीदवार इस बार जरूर चुनाव में रहेगा, ऐसी संभावना नजर आ रही है। जी, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का साझा उम्मीदवार जरूर होगा, इसी पर लगातार बातचीत भी हो रही है, मेल मुलाकातें भी चल रही है। जैनेन्द्र, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।